हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का द्वारा एजुकेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पीछे थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं, मतलब सर कौन झुकेगा नहीं, किसकी हम बातें यहां पर कर रहे हैं। हम बातें कर रहे हैं यहां पर रेड सैंडलवुड की, यानी कि सर लाल चंदन की। अब ये मूवी में आप सभी ने जरूर देखा होगा, या फिर हो सकता है इस मूवी के ट्रेलर में आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो ये देखिए, प्यार से लोग इसे लाल चंदन कहते हैं। तो आपने देखा कि कैसे इस चंदन वन की, यानी कि यहाँ पे लाल चंदन का जो जिक्र किया गया है, ये अचानक न्यूज में क्यों आ जाता है। क्या सर इस मूवी के कारण हुआ, या फिर ये मूवी रिलीज हुई इतना ज्यादा इसको हाइप मिला इसके कारण ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो न्यूज आया था सर 10th of January, यानी अभी 10 जनवरी 2022 को एक न्यूज आई है, जिसमें IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने कहा है कि इसका जो कैटेगरी हम रखते हैं सर, कैटेगरी इट मींस यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी रखी जाती है, जिसके हम बोलते हैं सर EN यानी कि इंडेंजर्ड हो गया, CI यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, NT यानी कि नियर थ्रेट यानी कि जो संकट के नजदीक, ऐसी जो कैटेगरी रखी जाती है, ऐसी जो श्रेणियां रखी जाती है, तो उस श्रेणी से सर इसको उठा कर वापस से EN कैटेगरी में ला दिया गया है। अब सर ये व्हाट इज EN, तो IUCN जो रहता है अलग अलग कैटेगरी जारी करता है सर, लाइक एंटी मतलब नियर थ्रेटन यानी कि संकट के नजदीक। अब लगा कि इसकी बहुत ज्यादा तस्करी हो रही है, बहुत ज्यादा इसको एक बड़े पैमाने पर जो तस्कर लोग जो रहते हैं उसको ले जा रहे हैं, मतलब अवैध रूप से, क्योंकि देखो ये तो वैलिड होता नहीं, अवैध रूप से उसको ले जाया जा रहा है, ये संकट में है। तो IUCN क्या करता है सर, केवल जानवरों का एनिमल्स बर्ड्स का ही नहीं सर, पेड़ पौधे के भी संरक्षण की ये बातें करते हैं, और उनमें भी ये देखते हैं कि किस प्रजाति का। मैं यदि बात करता हूँ सर रेड सैंडलवुड की, इसको रेड सैंडल्स के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको मिलता है सर बेसिकली आंध्रा में, बेसिकली आपको मिलेगा आंध्रा में, और ये बॉर्डर जो होता है सर ये तमिलनाडु बॉर्डर एंड कर्नाटका बॉर्डर, क्योंकि जब बॉर्डर वाला जब रेंज आता है तो जो तस्करी वाली जो चीजें रहती ज्यादातर बॉर्डर एरियाज पे ही होते हैं, क्योंकि एक बार यहां से होने के बाद इसको कब कैसे पार किया जाता है ये बहुत ही कम लोग जान पाते हैं, और बहुत ही आसानी से इन चीजों को किया जा सकता है। तो सर ये जो बिल्कुल आंध्र का नीचे वाला जो रेंज है यहाँ पर पाया जाता है सर, यदि मैं इस जंगल की मैं बातें करूँ या फिर इस फॉरेस्ट की मैं बातें करूँ, तो इसका नाम है सर शेषाचलम, इसको लिखिएगा जरूर, है ना, शेषाचलम, क्योंकि ये अभी चर्चा में भी था और ये आया भी था, ठीक है। क्या नाम है इसका, शेषाचलम, गॉट इट, जस्ट वेट, शेषाचलम जंगल नाम है सर इसका, और यहां पर ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से इन वनों को जो पहले एंटी कैटेगरी में रखा गया था, यानी कि नियर थ्रेटन संकट के नजदीक वाले कैटेगरी में, इस श्रेणी में रखा गया था, इसको हटाकर सर कर दिया गया, कहां पर इसको ला दिया गया सर वापस से इनडेंजर्ड, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, मतलब खतरे की स्थिति में, और इससे और भी गंभीर जो रहता है सर उसको हम लोग जानते हैं CR यानी कि अति गंभीर संकट ग्रस्त। तो अभी CR कैटेगरी में तो फिलहाल नहीं है, ये सर EN कैटेगरी में आ चुका है। तो इस प्रकार से यह जो न्यूज था मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपके लिए लेकर आया। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।